हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और भाई साहब, वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन आज अचानक से एक मैसेज आया और वो मैसेज पूरा धमाल मचा दिया है, धमाल या शॉकिंग कर दिया है उन लोगों के लिए जो गेमर्स हैं। बेसिकली ये वीडियो उसी के लिए मैं बना रहा हूँ, जो कि आज 2022 में 54 ऐप को फिर से इंडिया ने बैन कर दिया है। उनमें 53 ऐप तो ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन लास्ट में आप लोग देखेंगे कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा सबसे लास्ट में, इसमें भाई साहब नाम है गरीना फ्री फायर। तो भाई साहब, ये क्यों बन कर मगर क्यों कर दिए हैं, क्या कुछ मसला है, पूरी डिटेल बता रहा हूँ। बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आप फ्री फायर प्ले स्टोर पे कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको प्ले स्टोर में नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप सर्च करते हैं, आप स्क्रीन में देख रहे हो कि मैं सर्च करके दिखा रहा हूँ, यहाँ सर्च करेंगे तो आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। और प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों ऐप स्टोर दोनों जगह से डिलीट कर दिया गया इसको। और फ्री फायर मैक्स तो है, लेकिन फ्री फायर नहीं है। अब ये बहुत दुखी उन लोगों के लिए है, क्योंकि जो फ्री फायर बहुत ज़्यादा लोग खेलते हैं उनके लिए, और बल्ले बल्ले उन लोगों के लिए है जो भाई बगबी जो कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के प्लेयर हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले है। देखिए, बेसिकली हुआ यह था कि अगर जब इंडिया ने पबजी को बंद किया था तो फ्री फायर वाले बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, और आज ऐसा दिन आ गया कि फ्री फायर पबजी तो पहले से ही बंद है, लेकिन अब पबजी वाले मजा ले रहे हैं फ्री फायर वालों का, क्योंकि फ्री फायर पूरी तरह से इंडिया मैच बंद हो चुका है। और क्यों हुआ है, क्या है, इसके पूरी डिटेल चलिए दिखाता हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं, अगर मैं नज़र डालूँ इसके गरीना पे, गूगल पे सर्च करता हूँ गरीना, तो देखिए गरीना सर्च करते ही आपको मिलेगा CEO जो इनके हैं, ये हैं फॉरेस्ट ली। और यहाँ पे फाउंडर बात करेंगे तो फाउंडर ये हैं सिंगापुर के, ठीक। तो यहाँ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है सी, ये वही सिंगापुर का ही है। देखिए यहाँ पे सिंगापुर लिखा है फाउंडर, और यहाँ पे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन लिखा है सी। अब बात करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि ये कौन है, इसके बारे में पूरा डिटेल थोड़ा बताता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले लोग भी जानने की कोशिश किए हैं कि इस गरीना इज ए चाइनीज कंपनी, क्योंकि इंडिया जो कि है चाइनीज ऐप को ही बैन की है, तो लोगों ने पूछा भी है कि चाइनीज कंपनी है। तो यहाँ पे दिखाता हूँ, बल्कि थोड़ा बताता हूँ और डिटेल में बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है, इन्वेस्टिगेटली गरीना हुज पेरेंट कंपनी इन सी लिमिटेड इज नॉट अ चाइनीज कंपनी, द ऑनर ऑफ सी लिमिटेड फॉरेस्ट ली वॉज बॉर्न इन चाइना एंड देन मूव्ड टू सिंगापुर। देखिए बेसिकली ये इसमें बताने की कोशिश कर रहा है कि जो यहाँ पे जो फॉरेस्ट ली है, जो बॉर्न हुए थे चाइना में, लेकिन ये शिफ्टेड हो गए थे सिंगापुर में, तो ये बात है। लेकिन बेसिकली फ्री फायर जो है वो चाइनीज कंपनी नहीं है, तो फिर बंद क्यों किए, अब उसकी बारे में बताता हूँ। जब चाइनीज कंपनी चाइनीज ऐप नहीं है तो फिर क्यों बंद किए, उसका भी जानकारी मैं आपको देता हूँ। अब सबसे पहले क्वेश्चन यही उठेगा दिमाग में कि ये सिंगापुर की कंपनी है, कि ये तो चाइना का नहीं है, तो इसको क्यों बंद किया। तो देखिए इसके भी पीछे राज ये है कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इंडियन रिपोर्ट टाइम्स के मुताबिक, और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के अनुसार, इसके मुताबिक कहना चाहते हैं कि जो इंडिया का डाटा है वो चाइना फ्री फायर के जरिए शेयर हो रहा है, इसी की वजह से यहाँ पे बैन किया गया है। ये नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट बता रही है, यहाँ पे इसकी रिपोर्ट भी लिखी गई, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बगल में, यहाँ पे लिखा है द बैंड ऐप अकॉर्डिंग टू MEITY जो मैं पहले बताया हूँ, और वर फाउंड टू बी सेंडिंग सेंसिटिव यूजर्स डाटा ऑफ इंडियंस टू अदर नेशंस लाइक चाइना। मतलब यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो इंडियन के डाटा है वो चाइना शेयर किए जा रहे हैं, इसी की वजह से यहाँ पे बैन किया गया है। फिर से लोगों के दिमाग में फिर से बार बार सवाल उठ रहा है कि ये क्यों बंद किए, चाइना का कैसे इसका खेल है, या फिर सिंगापुर से इसका क्या मतलब कनेक्शन है। तो यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे सर्च किए लोग, इज गरीना फ्री फायर इज अ चाइनीज ऐप, यहाँ पे क्लियरली मेंशन हुआ, यहाँ पे लिखा है गरीना फ्री फायर एक्चुअली हेल्स फ्रॉम सिंगापुर एंड नॉट अ चाइना, हाउएवर अ प्रीवियस रिपोर्ट हैज हाईलाइटेड दैट सेवरल एप्स फ्रॉम द बैंड लिस्ट वेयर फाउंड टू इनिशियली बी फ्रॉम सिंगापुर और हांगकॉन्ग दैट वर लेदर सेंडिंग इंडियंस यूजर्स डाटा टू चाइनीज सर्व। कुछ ऐप ऐसे थे जो कि इसके पीछे जो मैं लिखा था इंग्लिश में उसको मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, ओवरऑल इसका क्या कंक्लूजन है। कंक्लूजन ये है कि कुछ ऐप ऐसे थे जो कि सिंगापुर और चाइना में पाए गए थे, और वही ऐप इंडिया में आकर के इंडिया के डाटा को चाइना से शेयर कर रहे हैं, बस इसका बेसिकली मतलब यही है। और शेयर तो कर ही रहे हैं, लेकिन शेयर करने के साथ साथ उसमें ये गरीना फ्री फायर का भी नाम आ गया है, जिसके वजह से इंडिया में इसी को लेकर इसको बैन कर दिया गया है। तो ये थी पूरी कहानी गरीना फ्री फायर के बारे में, क्यों बंद हो गया है, क्या मसला था पूरा, मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश किया हूँ। दोस्तों उम्मीद है कि पसंद आया होगा वीडियो, मैं वीडियो बनाने वाला नहीं था, लेकिन आज देखा हूँ कि इंडिया में
54 ऐप 54 ऐप जो कि बंद कर दिए थे। 54 ऐप ऐसे जो थे जिसको कैमरा वगैरह जो स्वीट सेल्फी वगैरह जो था ये सब थी, लेकिन लास्ट नंबर 54 नंबर में मैं देखा हूँ कि गरीना फ्री फायर है, जो कि भाई साहब एक बैड न्यूज़ है स्ट्रीमर्स और गेमर के लिए जो कि बेसिकली लाइक करते हैं गरीना फ्री फायर, तो भाई साहब उन लोगों के लिए बहुत बैड न्यूज़ है। और बल्ले बल्ले उन लोगों के लिए जो कि बगमी पबजी मोबाइल लाइव जो खेलते थे उन लोगों के लिए तो बल्ले बल्ले हो गया है, क्योंकि वो भी चाहते थे कि ये बंद हो जाए और आज बंद ही हो गया है। तो एक तरह से मैं कहूँगा कि बहुत बैड न्यूज़ है गेमर्स के लिए, बेसिकली गेमर्स के लिए बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें टेक्नो लक्ष्मीकांत यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।